गाइस आज सुबह के नाश्ते में है जलेबी फाफड़ा फाफड़ा खाओ दबाकर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। गाइस सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं निकल रहा हूँ अभी स्कूल के लिए, क्योंकि आज है मेरा स्कूल ओम्स है, वहाँ पे 8:40 पे मुझे पहुँचना था और लेट हो चुका हूँ मैं। चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्ट स्कूल में, तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। सो गाइस निकल गया हूँ मैं यहाँ से और अभी ट्रैफिक मिलने वाला है मुझे बहुत ज़बरदस्त। लगता है 9 बजे से पहले नहीं पहुँच पाऊँगा आज। चलो देखते हैं क्या होता है। और रात को हुई थी बारिश, अभी तक भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, क्या थोड़ी बहुत ही हो रही है लेकिन हो रही है। देख रहे हो सड़कें सब पीले हैं, पानी भरा हुआ है। आपके इधर वेदर कैसा है? आपके इधर वेदर कैसा है कमेंट करके बताना। यहाँ तो एकदम धूप निकली हुई है लेकिन शाम को पता नहीं कैसे बारिश हो जा रही है। जीजानी माता कृपा करना। तो यहाँ से एकदम सामने दिख रहा है जीजानी माता का पहाड़ और उनका मंदिर। मेरे पुराने वीडियो में चले जाओ, जीजानी माता के दर्शन हो जाएंगे आप। ट्रैफिक तो भाई ज़बरदस्त होने वाला है। कैमरे का एंगल कैसा है पता नहीं, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। आवाज़ बराबर रिकॉर्ड हो रही है वो भी नहीं मालूम पड़ रहा है, देख लेना भाई अपने हिसाब से। और बहुत दिनों बाद आज मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ,
ये रोड बन रहा था तब शायद मैंने मोटो ब्लॉक किया था, उसके बाद आज कर रहा हूँ। ये तो ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, अभी देखो आगे कितने ट्रैफिक मिलते हैं। रेंज ऑफिस पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, और अभी बजा है 8:30 यानी 9:45 हुआ है। और जिस स्कूल जा रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं, ट्रैफिक में कितना लगेगा कह नहीं सकते। ये पहुँच गए हम एवरशाइन, और महानगर पालिका की बस हो गई है खराब। मेंटेन सिर्फ कमा रहे हैं, मेंटेनेंस बराबर रखते नहीं है तो क्या होगा। ओ भाई चलो चलो, कितनी गाड़ी साफ है देखो। फटाफट गाड़ी निकालने रहते हैं, अटक गए तो फिर अटक गए। और सामने देख रहे हैं ना जो ब्रिज जैसा बन रहा है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से निकलेगी बुलेट ट्रेन। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, ये रूट है। आम जोरों शोरों से चल रहा है, 2024 तक का टारगेट था, मुझे नहीं लगता है 24 में कंप्लीट होगा। यहाँ से ट्रैफिक शुरू और रेंज ऑफिस तक कंटिन्यू, देखते साइड साइड से निकालते हैं। ओ भाई क्या ही ट्रैफिक लगा हुआ है, 2-3 दिन छुट्टी थी ना, दशहरे की सैटरडे को छुट्टी थी और फिर संडे वीक में आ गया, और आज है मंडे, तो अभी कंपनियां चालू हुई हैं तो ट्रैफिक तो लगेगा, जबरदस्त ट्रैफिक है भाई। पता नहीं पहुंचने के लिए मुझे लगता है अभी 10 मिनट तो इधर ही लग जाएगा। तो ये रिक्शे वाले भी साइड पे ही घुसाते हैं, नहीं तो बाइक वाले आराम से निकल सकते हैं। क्या बताएं, तू भी घुसा दे भाई, तू भी घुसा दे।
से निकालने पड़ते हैं यार। देखा ऐसे गाड़ी ऐसे ऐसे निकालने पड़ते हैं। भाई मैं होता निकाल लेता यार, क्या कर रहा है, निकाल लिया। अरे इधर बता, तो ध्यान में जाना है राइट साइड। वाह क्या ब्रेक लगा है, प्रभाकर पांडे टूर एंड ट्रैवल। देखा भाई कितना ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। सुबह अगर आप 8 बजे निकल गए तो निकल गए, 8 बजे के बाद 8:30 से लेकर 11 बजे तक ट्रैफिक रहता है यहाँ पर ज़बरदस्त। आने के लिए, हाँ जाने के लिए नहीं, आने के लिए कम नहीं, सिर्फ शाम के टाइम में जाने के लिए लगता है, आने के लिए कम। पहुंच गए बोईदा पाड़ा, चलो भगाते हैं भगाते हैं, देखो लोग खाली हो गए तो भगाते हैं। इधर भी ट्रैफिक है, दिख रहा है ना, बच गया है, लेट हो गया हूँ, इधर ही 9 बज गया।
बालू फाटा और यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है हाईवे, नेशनल हाईवे अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 है। ये शॉर्ट से रास्ता है, एक रास्ता उधर से भी है, उधर से लॉन्ग कट पड़ेगा। ओहो क्या बाइक है यार, और इधर भी बारिश हुई है भाई रात में। ये पहुंच गए हम साथी वाली मौर्या नाका और यहाँ पर है मेरी एक कराटे क्लास जिसका टाइम है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। जो लोग यहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, इस साइड है क्लास। ऐसा लगता है रिक्शा ऊपर ही चढ़ा देगा। देख रहे हो सड़कें खड्डे खड्डाज। बारिश में तो मैंने मोटो ब्लॉग किया ही नहीं, अगर किया होता भाई तो मैं दिखाता आपको यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी है, एकदम पीछे भर गई। पहुँच गया हूँ सुंगार फाटा, ये है सामने नेशनल हाईवे अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे और इसको क्रॉस करके हम पहुँचेंगे अभी पापा सीताराम। लगता है रात में अच्छी खासी बारिश हो गई यार। बस यूँ बरसते रहो जनवरी तक, मज़ा आएगा।
चाहते हैं। और किसी ने मास्क भी नहीं लगाया। यह है तुंगारेश्वर रोड, ये चला जाता है यहाँ से ऊपर पहाड़ी पे तुंगारेश्वर महादेव है वहाँ पे। किन लोगों ने अभी तक तुंगारेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए, आके भाई दर्शन कर लो, यही रोड जाता है सीधा। फाइनली गाइस पहुंच गए स्कूल में और ये है सामने स्कूल। हाय, ये है स्कूल। हाँ क्या हुआ? हाँ वीडियो मोटो ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉग नहीं सच शे गो रुक सच आज को जो एच नहीं सच शे गो रुक सच आज को जो एट नहीं सच शे गो रुक सच आज को जो। सो गाइस आ गए हूँ घर पे और आपने अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।